हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आई मीन टेक्निकल बाला में स्वागत है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम पिक्सल लैब से आपको सिल्वर लोगो डिजाइन करना सिखाएंगे। तो चलेंगे थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे जाने के बाद यूज फॉर गैलरी से आप ये वाला पीएनजी ऐड कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर सेकेंड पीएनजी ये वाला है, तो इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ जाके। तो यहाँ हम चले जाएंगे एडजस्ट पे और दोनों को 100 कर देंगे। तो जो भी पीएनजी ऐड होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करना है हमें फिर देख सकते हो। तो यहाँ हम चलेंगे थ्री डॉट प्लस वाले आइकन पे। यहाँ साइज पे जाने के बाद, इमेज साइज पे जाने के बाद यूट्यूब थंबनेल साइज चूज कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ इस टाइप का हो रखा है। तो यहाँ जाके हम फिर साइज पे जाके इनेबल कर देंगे, या जूम करके भी कर सकते। फिर यहाँ से हमें इमेज साइज पे जाना है। इमेज साइज पे यूट्यूब थंबनेल साइज सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे जाना है। प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद यहाँ ये वाली पीएनजी ऐड करना है फ्रॉम गैलरी से। तो यहाँ हम लेयर पे जाके इसको लॉक कर देंगे, नहीं तो इधर उधर हिलने में प्रॉब्लम हो जाती है हिलने के बाद। तो इसको हमने रोटेट करना है इस टाइप से। तो इस टाइप से कर देंगे, नहीं तो जैसे आपको रखना है वैसे भी रख सकते हो, फिर एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से टैक्स पे चलेंगे प्लस वाले आइकन पे। टैक्स पे जाने के बाद राइट साइड में ये एडिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैग करने के बाद यहाँ आपको जो भी टैक्स करना है वो टैक्स कर सकते हो। हमने यहाँ रावण का टैक्स ऐड किए हैं, तो यहाँ हम ये कर लेंगे, इसको भी वो कर देंगे, नहीं तो हिल डोल ज़्यादा होगा। तो यहाँ से प्लस वाले आइकन पे इसको रिसाइज कर लेंगे। फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट का अगर कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे यूज करते हैं तो यहाँ से नहीं, मतलब वहाँ आपको मिल जाएगा। मेरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि फॉन्ट कैसे डाउनलोड किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, तो सब यहाँ जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ अपने चैनल पे डाल रखे हैं। तो यहाँ एडजस्ट हम कर देंगे कुछ स्टेप से। फिर यहाँ से यहाँ साइज पे जाएंगे। साइज पे जाने के बाद इस टाइप से उसको एडजस्ट कर लेंगे। वहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है। फिर उसके बाद यहाँ से चलेंगे हम स्टॉक में। स्टॉक को एनेबल करेंगे। एनेबल करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसका ओपेसिटी को, स्टॉक वाइट को थोड़ा इस टाइप से एडजस्ट कर देना है इतना। ब्लैक कलर सेलेक्ट करके राइट कर देंगे। राइट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसको चलना है हमें लेयर पे, टेक्सचर पे चलना है। टेक्सचर पे जाने के बाद यहाँ ऐड करना है ये वाली सिल्वर वाली एक प्लेट, जो कि हमने सेकेंड टाइम यूज़ किया था वो, उसका ओपेसिटी कुछ उतना डेंसिटी रख दे लीजिएगा। यहाँ से क्या करना है, इन तीनों को शायद मर्ज कर देना है। ये प्लस माइनस प्लस वाले आइकन पे जाके टिक करके तीनों को मर्ज कर देना है एक साथ। उसके बाद लेयर पे से बैक आना है। लेयर से बैक आने के बाद हमें क्या करना है, इमेज इरेजर पे जाना है। इमेज इरेजर पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से वहाँ से उसको कलर, ये नहीं, यहाँ इस पर ब्लैक वाले आइकन पे सेलेक्ट करेंगे। ब्लैक वाले आइकन पे सेलेक्ट करने के बाद राइट कर देंगे और इसका टेक्स्ट टेंजेंसिटी को 12:10 रखेंगे और राइट कर देंगे। यहाँ से इसको कुछ शेडो स्मूथ को देख सकते हो करके, लेकिन नहीं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से राइट कर देंगे, 2-3 रखेंगे, राइट कर देंगे। उसके बाद चलेंगे उसमें शेडो में। शेडो में जाने के बाद कुछ इस टाइप से उसको एडजस्ट करना होगा, देख सकते हो। यहाँ एडजस्ट इसको कर दोगे। शेडो को एडजस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से देख सकते हो, इससे थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगने के बाद कर देते हैं वैसे। तो एडजस्ट करने के बाद हमें यहाँ से मिलेगा एक। फिर यहाँ से चलेंगे हम नीचे की ओर चलेंगे, सबसे नीचे वाली लास्ट वाली पे चलेंगे, उसको इनेबल करेंगे। तो यहाँ लाइट है, लाइट एनली है, लाइट एनली को 45-47 रखेंगे। उसके बाद नीचे जो भी है ऑप्शंस उसको भी राइट करते जाएंगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग, इमेज के अकॉर्डिंग रखेंगे, इमेज के अकॉर्डिंग रखेंगे, देख सकते हो। यहाँ से तो इसको 100 कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम दोनों को
एम्बटी लाइन लाइट इन सबको एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कर रहे हो वैसे कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, जनरली वैसे अभी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में, पास में म्यूजिक म्यूजिक चलते रहता है इसलिए। तो यहाँ से हमें क्या करना है, जनरली देख सकते हो इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप का आपका बन गया है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सेव टू इमेज कर लेना। तो इसको PNG साइज नहीं करिएगा, उसके बाद अल्ट्रा भी नहीं करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा।